ऑलराइट, ये था राउंड वन 25,000 रुपये के लिए और 3 मिनट का टाइम था आपके पास। अब हम बढ़े राउंड टू की तरफ। 10 में से 9 कंटेस्टेंट्स यहाँ रह गए हैं, एक और होगा एलिमिनेट, लेकिन वो होगा कौन? बैंक में सिर्फ 4,000 रुपए का अमाउंट मौजूद है इस राउंड में। आप लोग के पास मौका था 25,000 तक कमाने का और सवाल इतने आसान थे कि मैं आपको क्या बताऊं। अरिहा 1,000 रुपए सही जवाब दिया, यहाँ 2,000 रुशान ने, यहाँ 3,000 शामिस ने, यहाँ यासिर ने 4,000। आपने सवाल सुनने के बाद बैंक किया, आपको सवाल सुनने से पहले बैंक करना था, तब जाके चार के चार आप 4,000 रुपए आपके बैंक में आते। खैर मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन थी, आप लोगों को समझ नहीं आया, जबकि मैंने क्लियरली समझाया था। मैंने कहा मुझसे पूछे अगर नहीं समझ आ रहा। अहमद क्या हुआ था यहाँ, आपने भी बैंक किया था? नहीं नहीं, मैं तो आपने सवाल का जवाब दिया था। अमजद आपने बैंक किया था? जवाब दिया था, मैंने जवाब दिया था। और किसने यहाँ? साइम आपने भी सवाल का जवाब, तीन सवाल के जवाब फिर से आप लोग यहाँ आके 3,000 पे या 4,000 पे आके खड़े हो गए थे, लेकिन साइम आपने सवाल सुनने से पहले बैंक नहीं बोला। और बैंक नहीं बोला, चलो कोई बात, मतलब बैंक बोला बाद में हमने नहीं माना, लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर से आपका अमाउंट हो गया ज़ीरो। गलत जवाब पे अमाउंट ज़ीरो हो जाता है, पास पे अमाउंट हो जाता है ज़ीरो, बैंक पे पैसे सेव होते हैं। तो उसके बाद समीर जवाब सही दिया जी, अरिहा सही दिया, रुशान सही दिया, शमस सही दिया, यासिर सही दिया, लेकिन आप में से किसी ने बैंक नहीं बोला। फिर जब यास्मीन पे आए तो बैंक बोला, लेकिन सवाल सुनने के बाद बैंक बोला। यही तो मौके हैं जिस पे आपको आपके साथी यानी आपके टीम मेंबर्स आउट कर सकते हैं। वक्त ज्यादा लेना, बैंक वक्त पे नहीं कहना, सवाल का जवाब सही नहीं देना। यू नेवर नो, राउंड वन में साइम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हो सकता है राउंड टू में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। हो सकता है राउंड टू में यासिर आप हो या फिर शमस, रोशान, अरिशा, आप में से कोई एक भी हो सकता है जो वीक कंटेस्टेंट हो। प्लीज मेक श्योर कि बैंक सवाल सुनने से पहले कहना है। अगर आपको लगता है कि चेन टूट जाएगी तो बैंक कह दे, यानी मनी चेन अगर आपको लगता है कोई गलत जवाब देगा टूट जाएगी, उससे पहले बैंक कह, ताकि बैंक में पैसे सेव हो जाए। कोशिश ये होनी चाहिए कि 8 सही जवाब दे दे। और इस राउंड का जो टॉप प्राइज है वो है 50,000 रुपये का इनाम। सिर्फ 8 सही जवाब और 50,000 रुपये बैंक में डाल लीजिए। लेकिन देखते हैं कि कितना आसान है। आर यू ऑल रेडी फॉर राउंड टू, जिसमें वक्त आपके पास 2 मिनट और 50 सेकंड का होगा, यानी 10 सेकंड की कमी। हर राउंड में 10 सेकंड कम होते जाएंगे। और अब आपका वक्त शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया था? चौधरी रहमत अली, करेक्ट। उर्वा, प्लास्टिक मनी किस चीज को कहा जाता है? जवाब क्या है? पास। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। साइम, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम क्या है? जस्टिस साकिब। जस्टिस उमर अता बंदियाल। समीद, पाकिस्तान और सऊदी अरब में कितना टाइम डिफरेंस है? पाकिस्तान 2 घंटे आगे। करेक्ट। अरिहा, जापान की करेंसी क्या है? येन। करेक्ट। रुशान, बैंक। ईरान का पुराना नाम क्या है? टाइम जा रहा है आपका, नहीं आता तो पास करें। पर्शिया, शमस, पाकिस्तान का झंडा किसने डिजाइन किया? अमीरुद्दीन कडवाई। करेक्ट। यासिर, PSL 4 की विनर कौन सी टीम थी? क्वेटा ग्लैडिएटर। करेक्ट। अहमद, बैंक। वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकालता? पास। फ्लेमिंगो। अमजद, किन दो कलर्स को मिलाकर ग्रीन कलर बनता है? रेड एंड येलो, येलो एंड ब्लू। करेक्ट। उर्वा, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की इस वक्त कैप्टन कौन है? बिस्मा मारूफ। करेक्ट। साइम, कंप्यूटर कीबोर्ड में टर्टल कीज किन बटन्स को कहते हैं? कंट्रोल कीज, एरो कीज, शिफ्ट कीज, विंडोज कीज। कंट्रोल कीज। करेक्ट। समीर, कायदे आजम के मजार में जो फानूस लगा हुआ है वो किस मुल्क ने तोहफे में दिया? चाइना। करेक्ट। अरिहा, मई में कितने दिन होते हैं? 31। करेक्ट। रुशान, काली आंधी किस क्रिकेट टीम के प्लेयर को कहा जाता West Indies. है? करेक्ट, बिल्कुल ठीक। और यहाँ आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त हुआ है पूरा। उर्वा, व्हाट डिड यू डू? समझ नहीं आई, एकदम कंफ्यूज हो गया था। क्या समझ नहीं आई? कंफ्यूज हो गया था। किस बात पे? प्रेशर पड़ गया था एकदम। प्रेशर पड़ रहा था जी। सवाल का जवाब भी सही नहीं दिया, बैंक भी गलत टाइम पे बोला, और पास किया था दूसरे में, मैंने जवाब दिया था। पास कहने से अमाउंट सारा जीरो हो जाता है, लेकिन दूसरे वाले में जवाब दिया था मैंने।
विमेन वाले। नाउ यू ऑल हैव टू डिसाइड कि कौन है वो शख्स जो आपके और 15 लाख तक के कैश प्राइस के बीच में आ रहा है। किसको जाना चाहिए इस खेल से बाहर, राउंड टू से बाहर। आपका वक्त शुरू होता है अब। वोटिंग कीजिए, आपके सामने अपनी टैबलेट्स हैं, किसी भी बेसिस पे आप वोट कर सकते हैं। टाइम ज़्यादा लगा, समझ नहीं आ रहा कंटेस्टेंट, वीक प्लेयर है, अनाड़ी है, हमें खिलाड़ी चाहिए। यहाँ 9 लोग मौजूद हैं, 9 में से अब 8 होने वाले हैं। वो एक कौन होगा जो एलिमिनेट होने जा रहा है? ज्यादातर कंटेस्टेंट्स कंफ्यूज लग रहे थे। राउंड टू भी कंटेस्टेंट्स के लिए अच्छी नवीद नहीं लाया है। थिंक अबाउट इट एंड राइट द नेम सो आई कैन अनाउंस कि कौन एलिमिनेट हो रहा है। आर यू ऑल डन? शमास, किसको वोट आउट कर रहे हैं? उर्वा। उर्वा, व्हाई? वो बैंक कर रहा है बार बार और पास कर रहा है। और वो स्टार्टिंग थी तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट राउंड पे जब मेरे पास आया तब सवाल तो मैंने जवाब दिया था। यासिर, किसका नाम लिखा है? वाह, क्यों? थोड़े से कंफ्यूजिंग। फर्स्ट राउंड में साइम, सेकंड राउंड में उनके नेबर उर्वा, क्यों? मुझे कंफ्यूज लग रहे थे बस, और कोई रीजन नहीं। आपको कंफ्यूज लग रहे थे? आपको लग रहा था कि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑलराइट जी, दो लोगों ने उर्वा बोला, लेकिन जो असल में नाम मेरे पास यहाँ मौजूद है, जो मेजॉरिटी ने नाम लिखा है इत्तेफाक से, वो एक नाम है जो बार बार आ रहा है यहाँ मेरे पास, और वो नाम है, वो शख्स आगे राउंड 3 में हमारे साथ नहीं होगा, और वो शख्स आप ही हैं उर्वा। यू हैव बीन एलिमिनेटेड। आप आखिरी खिलाड़ी कौन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ कहना चाह रहे क्या? थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि सबने मिलकर मेरा नाम लिया है। हालांकि सबने मिलकर आपका ही नाम लिया, जो सबको मंजूर है, मुझे भी वही मंजूर। सिर्फ एक नाम अहमद का आया है, उसके बावजूद सब तमाम लोगों ने आपको ही वोट आउट किया है। कोई मसला नहीं, द डिसीजन इज मेजॉरिटीज, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। लेकिन ये है कि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा जरूर लिया था, लेकिन मैं जवाब जरूर दे रहा था। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की विमेन टीम के बारे में जो मैंने जवाब दिया वो शायद किसी और को भी नहीं आता था, और मैं आगे जाके अच्छा खेल सकता था। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं आगे जाके अच्छा खेल सकूं। एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।